वेलकम बैक टू फिल्मी पॉइंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितंबर में आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में। अगर आप भी सितंबर में आने वाली फिल्मों का वेट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी जानकारी के, और आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों बात करते हैं सितंबर में आने वाली फिल्मों की। पर एक पे है इमरजेंसी, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज मल्टी स्टारर बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म की लीड कास्ट में आपको कंगना रनावत देखने को मिल जाएंगी। कंगना रनावत इस फिल्म में आपको इंदिरा गांधी की भूमिका निभाते नजर आने वाली हैं। कंगना रनावत के अलावा फिल्म में सतीश कौशिक, महिमा चौधरी, भूमिका चावला और अनुपम खेर देखने को मिल जाएंगे। और फिल्म की कहानी होने वाली है 1975 से लेकर 1977 के वो इमरजेंसी पीरियड की, जो इंदिरा गांधी द्वारा डिक्लेयर किया गया था, और इस समय क्या क्या दिक्कतें आई थी यही सब इस फिल्म में दिखाया जाएगा। और इस फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। नंबर दो पे है द बकिंगम मर्डर्स, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं हंसल मेहता, और फिल्म की लीड कास्ट में आपको करीना कपूर खान देखने को मिल जाएंगी, राजवीर बरार, रुक्कू नेहार देखने को मिल जाएंगी। और फिल्म की कहानी होने वाली है एक दुखित पुलिसकर्मी की, जो हत्या के कारण अपने बच्चे को खो देती है और दूसरे शहर चली जाती है, और वहाँ उसे एक लापता बच्चे के लापता होने की जांच करने के काम को सौंप दिया जाता है। क्या वो उस बच्चे को ढूंढ पाएगी ये तो फिल्म देख के ही पता लगेगा। इस फिल्म को देखने के लिए आपको 13 सितंबर को थिएटर्स में जाना होगा, और इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। नंबर तीन पे है लक्की भास्कर, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। ये एक ड्रामा फिल्म है जिसकी लीड में आपको दिलकुर सलमान देखने को मिल जाएंगे, अयान सोहन और मीनाक्षी चौधरी देखने को मिल जाएंगी। और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकी अटलूरी, और इस फिल्म को 7 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। नंबर चार पे है द ग्रेटेस्ट ऑल द टाइम, जो कि एक तमिल लैंग्वेज मल्टी स्टारर एक्शन साइंस फिक्शन टाइम ट्रेवल फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में आपको विजय, मीनाक्षी चौधरी, सुदीप, मालविका शर्मा और राघव लॉरेंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गेस्ट अपीयरेंस में आपको प्रभु देवा भी देखने को मिल जाएंगे, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वेंकट प्रभु। और फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 5 सितंबर को, वो भी पैन इंडिया लेवल पर, यानी ये फिल्म हमें हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इस फिल्म का बजट होने वाला है 300 करोड़ के आसपास। नंबर पाँच पे है देवरा पार्ट 1 जूनियर एनटीआर की। ये एक मोस्ट अवेटेड तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, और एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है जूनियर एनटीआर के अलावा। फिल्म में आपको जानवी कपूर, सैफ अली खान देखने को मिल जाएंगे, और इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, और इस फिल्म को 2 भागों में रिलीज़ किया जाएगा। देवरा पार्ट 1 आपको 27 सितंबर को रिलीज़ होती हुई नजर आने वाली है, और अच्छी बात है कि इसे पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। तो आपको इस फिल्म का कितना ज्यादा वेट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस दरिया में मछलियों से ज्यादा खून और खंजर दिखे हैं, शायद इसीलिए इसे लाल समुद्र कहते हैं। नंबर छः पे है बैरोज, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज की फैंटेसी ड्रामा 3D फिल्म होने वाली है। फिल्म में लीड कास्ट में आपको मोहनलाल, पृथ्वीराज, सुकुमारन, कोमल शर्मा, सारा वेगा देखने को मिल जाएंगी, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं खुद ही मोहनलाल, और मोहनलाल की ये पहली डायरेक्शनल फिल्म होने वाली है। और फिल्म बेस्ड होने वाली है एक नोवेल का नाम है बैरोज गार्जियन ऑफ द गामा ट्रेजर। दोस्तों इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा 12 सितंबर को, और इसे सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। नंबर सात पे है अरदास सरबत दे पलेदी, जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज हिस्टोरिकल इमोशनल ड्रामा फिल्म होने वाला है, जिसकी लीड में आपको गिप्पी गरेवाल, गुरप्रीत कुगी, जैस्मिन भसीन, प्रिंस कंवलजीत सिंह देखने को मिल जाएंगे, और इस फिल्म को खुद ही गिप्पी गरेवाल डायरेक्ट कर रहे हैं, और इस फिल्म को 13 सितंबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर आठ पे है जान अभी बाकी है, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसकी लीड में प्रांजल, रिजिंदर काला, प्रतीक चौहान
और शिवपाली सिंह देखने को मिल जाएंगे और इस फिल्म को 20 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। नंबर 9 पर है ट्रांसफार्मर्स 1, जो कि एक एनिमेटेड एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में आपको चैरिस हेल्मवर्थ की वॉइस देखने को मिल जाएंगी और ये फिल्म बेस्ड होने वाली है हैश ब्रॉस ट्रांसफार्मर टॉय लाइन के ऊपर और इस फिल्म को 20 सितंबर को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटर में रिलीज किया जाएगा। नंबर 10 पे है बजूका, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज एक्शन मास मसाला फिल्म होने वाली है। फिल्म की लीड में आपको मम्मूटी, गायत्री अय्यर देखने को मिल जाएंगी और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डीनो डेनिस और ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर आधारित होने वाली है। फिल्म की कहानी कोची शहर में होने वाली अरहस्यमी घटनाओं पर आधारित है और दोस्तों इस फिल्म को 12 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये थी सितंबर में आने वाली 10 बड़ी फिल्में, तो आपको इनमें से किन किन फिल्मों का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिएगा, हम तब पार्ट 2 को बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।